हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना आर्ट्स इंडिया। आज का प्रोजेक्ट बेस्ड है साड़ी पेंटिंग पर और जो स्टाइल यूज़ किया है वो है मधुबनी पेंटिंग। ये बिहार का आर्ट फॉर्म है और इसे मिथिला आर्ट भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेस के लिए सबसे पहले मैंने बोर्ड लिया है। साड़ी को बोर्ड पे फिक्स करना है क्लिप्स के हेल्प से, ताकि पेंटिंग करते समय वो हिले नहीं। बॉर्डर की चौड़ाई हमने 7.5 इंचेस रखी है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ डिज़ाइंस मैंने हाथ से ड्रॉ किए हैं इस साड़ी में, जैसे कि लाइंस वगैरह आप स्केल के हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इजी रहता है बनाना। साड़ी मैंने भागलपुरी सिल्क ली है, तो इस साड़ी में मैं नीचे स्टेंसिल रखकर भी बना सकती हूँ, नहीं तो आप ऊपर से रखकर ट्रेस कर लें। कुछ डिज़ाइंस के लिए मैंने स्टेंसिल्स बनाए हैं, ताकि साड़ी में वो कंसिस्टेंट शेप और साइज रहे। साड़ी पे स्टेंसिल्स यूज़ करना बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि ये डिज़ाइंस बार बार रिपीट होते हैं। कुछ डिज़ाइंस जो इजीली बन जाते हैं आप हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेंसिल साड़ी के नीचे से रख के और ऊपर से ट्रेसिंग की है, और अब हमारा ट्रेसिंग वर्क कंप्लीट हो गया है। ट्रेसिंग के बाद हमें इसको आउटलाइन करना होता है। ब्लैक कलर लेंगे, जिसमें मैंने बॉटल में आधा कलर और आधा मीडियम यूज़ किया है, और उसको अच्छे से शेक करके हम ब्रश से उसका आउटलाइनिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रश राउंड ब्रश लिया है 000 नंबर का। साड़ी पे आउटलाइनिंग का काम निब से भी होता है, पर मैं ब्रश प्रीफर करती हूँ, उससे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। साड़ी पे पेंटिंग करना बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन इसके लिए अगर ज़रूरत है तो वो है थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा कमिटमेंट और थोड़ा सा फोकस, दैट्स ऑल। और उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलता है उसे देख के दिल तो एकदम खुश हो जाता है। अब मैं कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। साड़ी पेंट करते हुए या कोई भी फैब्रिक पेंट करते हुए, हमें बेस में पेपर या न्यूज़पेपर ज़रूर लगाना चाहिए। इससे हमारा कलर स्मज नहीं होता है, फैलता नहीं है, और हम बहुत अच्छे से और नीटली काम कर पाते हैं। बेस हमेशा फर्म रखना चाहिए, कोई बोर्ड या एम्ब्रॉयडरी रिंग पे इसको फिक्स करके लगा के काम करना चाहिए। सेकंड, हमें जब भी कलर अप्लाई करना है उससे पहले कलर में हमेशा मीडियम मिक्स करके करना चाहिए, पानी का यूसेज एकदम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं, तो उसमें मुझे मीडियम मिक्स करना पड़ता है, नहीं तो अगर डायरेक्टली एक्रेलिक कलर यूज़ करिएगा तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा सूखने के बाद। तो मीडियम उसको सॉफ्ट कर देता है और कपड़े के साथ ब्लेंड कर देता है। नहीं तो आप फैब्रिक कलर यूज़ कर सकते हैं, जो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ उसे थिन करने के लिए आप उसमें मीडियम मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। पानी लेकिन आपको कभी भी यूज़ नहीं करना होता फैब्रिक पेंटिंग करने में। अब हम बात करेंगे साड़ी में डिज़ाइन के मेजरमेंट की। बॉर्डर कितना चौड़ा रखना है, पल्ले का डिज़ाइन कहाँ से स्टार्ट करना है और कितना छोड़ना है पेंट करने के लिए पल्ला, ये सब मेजरमेंट हमको प्री प्लान करने पड़ते हैं। तो बॉर्डर यहाँ पर मैंने लिया है 7.5 इंच का, इंक्लूडिंग द गोल्डन बॉर्डर मेरी साड़ी जो है उसका। जनरली साड़ी का अब जो बॉर्डर आपको बाहर मिलता है वो 6.5 इंचेस का रहता है, मैंने थोड़ा चौड़ा बनाया है। इसके अलावा जब आप बॉर्डर पेंट करना स्टार्ट करते हैं तो साड़ी के शुरू से कम 10 इंचेस आपको साड़ी का वो छोड़ना पड़ता है, उसके बाद से आप बॉर्डर पेंट करना स्टार्ट करें। ये तो हो गया बॉर्डर का मेजरमेंट। अब पल्ले का जो मेजरमेंट लेंगे वो एटलीस्ट 1 मीटर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। कलरिंग करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें कलर प्लानिंग करने के बाद जहाँ जहाँ एक पर्टिकुलर कलर आ रहा है उसे वहाँ वहाँ पहले फिल कर लेना है। जैसे मैंने येलो कलर लिया, तो जहाँ जहाँ मेरा येलो कलर आ रहा था उसे मैंने पहले फिल कर लिया है। उसके बाद जैसे अब ऑरेंज कर रही हूँ, तो जहाँ भी ऑरेंज आएगा आई ट्राई टू फिनिश दैट पोर्शन फर्स्ट।
अब यहाँ पर जो मैं कलर कर रही हूँ ऑरेंज, अभी तक हमने जो कलर यूज़ किया वो सिंगल कलर यूज़ करके हम कर रहे थे। अब इस फ्लावर में, इस पैटर्न में मुझे थोड़ा सा येलो कलर भी ब्लेंड करना है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब कलर गीला ही हो तभी उस पर हमें दूसरा कलर ब्लेंड कर देना है, अदरवाइज़ वो उसके साथ मिक्स नहीं होगा और बहुत ही भद्दा सा दिखेगा। फैब्रिक कलर हमें कभी भी थिक अप्लाई नहीं करना चाहिए, हमेशा पतला कोट ही अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो वो कपड़े को बहुत ही स्टिफ बना देता है और पपड़ी की तरह उतरने भी लगता है। यहाँ पे साड़ी पे मैंने जो डिज़ाइन लिया है मधुबनी का, जो स्टाइल लिया है वो है कचनी। कचनी में हम ज़्यादातर लाइंस यूज़ करते हैं डिज़ाइन में कलर भरने के लिए, या तो मैश बनाते हैं या डॉट्स भरते हैं, उसको बहुत ज़्यादा नहीं भरते कलर से। कचनी के साथ थोड़ा थोड़ा मैंने भरने का भी काम किया है, जैसे फ्लावर का पैटर्न जो है ऑरेंज कलर का, उसमें पूरा भरा है, ऊपर येलो भरा है, नीचे येलो ट्रायंगल पूरा भरा है, तो मैंने दो स्टाइल ऑफ भरनी को मिक्स करके ये डिज़ाइन बनाया है। और अब हमारा ये पैटर्न पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जो फाइन डिटेलिंग का काम है, कहीं पे ब्लैक कलर मिस हो गया है, तो आप उसे फिर से टचअप दे सकते हैं। तो ये है हमारी साड़ी का फाइनल लुक। बॉर्डर पूरा नीचे बना है और जो ऊपर का बॉर्डर है वो आधी ही साड़ी में बनता है, पूरी में नहीं बनता है। और ये है इसका पल्ला। बन के ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है। तो मधुबनी स्टाइल में साड़ी पेंटिंग का ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।